हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ऑटोमेटिक टाइप प्रमोशन इन एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कि एक एक्सप्रेशन में कैसे ऑटोमेटिक प्रमोशन होता है टाइप्स का। तो अभी तक हमने ये देखा था कि ये जो टाइप प्रमोशन होता था वो सिर्फ हम लोग एक वेरिएबल को, जैसे कि हम लोग यहाँ पर अगर इंट ए लेते थे और इसको अगर हम लोग लॉन्ग में डालते थे, हाँ, तो ये टाइप प्रमोशन होता था इंट से लॉन्ग में। बट इसके अलावा दूसरे भी केसेस हैं जिसमें कि टाइप प्रमोशन होता है, और वो कहाँ है? एक्सप्रेशन। कहाँ पे होता है? एक्सप्रेशन में। एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन होता है एक कॉम्बिनेशन होता है अलग अलग वैल्यूज़ का, और जिन्हें कि हम लोग ऑपरेंड्स बोलते हैं, और उन वैल्यूज़ पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए ऑपरेटर का यूज़ करता है। तो इस तरह से ये कॉम्बिनेशन होता है ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स का, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑफ ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर्स। कई बार क्या होता है कि किसी एक्सप्रेशन में जो प्रिसीजन चाहिए होती है, इंटरमीडिएट वैल्यू जो है, मतलब कि कोई बड़ा एक्सप्रेशन है और उसका एक पार्ट जो है एक्सिक्यूट होकर कोई इंटरमीडिएट वैल्यू दे रहा है, तो वो इंटरमीडिएट वैल्यू जो है कभी कभी वो ऑपरेंड के भी रेंज को ओवर क्रॉस कर जाता है। इसको हम एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। जैसे कि हमने एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, हम लोग एक वैल्यू लेते हैं बाइट बी इज इक्वल टू 40 अगर ले लें, या फिर बाइट ए इज इक्वल टू 40 अगर ले लें, फिर दूसरा बाइट बी इज इक्वल टू अगर 50 ले लेते हैं, बाइट सी इज इक्वल टू अगर 100 ले लिया हमने। अब हमने एक एक्सप्रेशन लिया, एक टी लिया वेरिएबल, और हम लोगों ने एक्सप्रेशन लिया ए इंटू बी बाई सी। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने पहले तीन वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, उसके बाद हमने चौथा वेरिएबल इंटीजर टाइप का लिया। ये तीनों वेरिएबल्स बाइट टाइप के थे, हमने एक एक्सप्रेशन लिखा ए इंटू बी बाई सी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ए इंटू बी जो है वो बहुत ही ईजली एक्सीड कर जाएगा बाइट के रेंज को, मतलब कि 40 इंटू 50। ए इंटू बी का मतलब है ए का वैल्यू 40, बी का वैल्यू 50, तो 40 इंटू 50 का जो भी वैल्यू आएगा शायद 2000 आएगा, तो 2000 जो है वो ईजली बाइट के रेंज को ओवर क्रॉस कर जाएगा, मतलब उसके रेंज से बाहर चला जाएगा। तो इस तरह से इसका रिजल्ट जो है वो बाइट नहीं होगा बल्कि वो इंट हो जाएगा। तो अगर इस एक्सप्रेशन में हम इसे बाइट ही रहने देते हैं तो ये एक एरर की स्थिति आएगी, एक मुश्किल वाली स्थिति आएगी कि हम लोग बाइट पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं और हमारा रिजल्ट इंटीजर आ रहा है, इंट आ रहा है, तो ये एक समस्या वाली बात हो सकती है। तो इस तरह से जावा क्या करता है इस समस्या को सॉल्व करने के लिए कि ऑटोमेटिकली प्रमोट करता है ईच ऑफ द बाइट टाइप को, ऑटोमेटिकली प्रमोट करता है इंट में। मतलब कि हम लोगों ने एक्सप्रेशन लिखा, हम लोगों ने बाइट तीनों बाइट्स ए बी सी पे ऑपरेशन परफॉर्म करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, तो ऑपरेशन परफॉर्म होने से पहले ये तीनों जो है वो इंट में प्रमोट हो जाएंगे बिफोर एग्जीक्यूशन ऑल बाइट्स प्रोमोटेड टू इंट। ये समझने वाली बात है। तो इस तरह से सिर्फ बाइट ही नहीं, जावा जो क्या करता है ऑटोमेटिकली बाइट सॉर्ट कैरेक्टर का अगर ऑपरेंड हो तो उसे इंट में कन्वर्ट कर देता है, इंट में प्रोमोट कर देता है एक्सप्रेशन को इवेलुएट करने के टाइम पे या उससे जस्ट पहले। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सप्रेशन ए इंटू बी जो है
वो बाइट का यूज करके परफॉर्म नहीं होगा, बल्कि इंट के रूप में वो एक्सप्रेशन एक तरह से हम लोग देख सकते हैं। मतलब ए इंटू बी का जो कैलकुलेशन है वो बाइट पे परफॉर्म नहीं होके इंट पे परफॉर्म होगा। बट इसमें एक बात ये है कि हम लोग कैसे ये समझ सकते हैं, कैसे जान सकते हैं पहले से एक्सप्रेशन लिखने से पहले कि इसका वैल्यू जो है वो बाइट के रेंज से बाहर जाएगा। तो ये एक कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन की स्थिति मतलब पैदा हो जाएगी, ऐसा कंपाइल टाइम एरर भी आ सकता है। तो इसको समझने के लिए हम एक प्रोग्राम देखते हैं। यहाँ पर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। बाइट हमने फिर से लिया, बाइट बी इज इक्वल टू 50 लिया। अब हम एक और नहीं, अब हम इसी बाइट में इसी वेरिएबल में अगर असाइन करना चाहें बी इंटू टू। तो जैसा कि हमने पहले बताया था कि ऑपरेशन परफॉर्म होने से पहले कोई भी बाइट हो वो इंटीजर में प्रमोट हो जाता है। तो ये बी जो है इंटीजर में प्रमोट हो गया, और टू तो इंटीजर है ही, तो वैल्यू जो आएगा वो 100 आएगा, और 100 को हम लोग बाइट में असाइन कर रहे हैं। तो परफेक्टली ये वैलिड है, मतलब बाइट के रेंज में ही आ रहा है 100, बट फिर भी एरर आएगा। और वो एरर क्या आएगा, एरर इस टाइप का आएगा लाइक कैन नॉट साइन एन इंट टू ए बाइट, इस टाइप का एरर आएगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, इससे बचने के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, इस पूरे लाइन को अगर हम लिखना हो सही तरीके से, तो बी इंटू टू तो हमारा ये एक्सप्रेशन है। इससे पहले हम वो इसको प्रमोट करने के लिए सॉरी प्रमोट नहीं मतलब नैरोइंग करने के लिए हम लोग आगे इस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, क्योंकि इस तरह से ये इंट जो है वो बाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस तरह से हम आसानी से कह सकते हैं कि हम लोग इसको आसानी से उस रेंज में डाल सकते हैं जिस रेंज में हमें ज़रूरत रिजल्ट चाहिए। दोस्तों अब हम लोग कुछ बात करते हैं कुछ टाइप प्रमोशन रूल्स के बारे में। इसमें हम लोग क्या देख सकते हैं कि जावा जो है बहुत सारे बाइट प्रमोशन रूल्स दिया गया है जावा में, और ये अप्लाई होते हैं एक्सप्रेशन पे, अप्लाई टू एक्सप्रेशंस। इसमें पहला रूल आप ये ले सकते हैं कि ऑल बाइट सॉर्ट इंट, हाँ ऑल बाइट सॉर्ट इंट नहीं, इंट में तो वो कन्वर्ट ही हो रहा है, कैरेक्टर आर प्रोमोटेड टू इंट इन एन एक्सप्रेशन। मतलब कि अगर हम लोग बाइट शॉर्ट या कैरेक्टर का यूज़ करना चाह रहे हो किसी एक्सप्रेशन में, तो ऑटोमेटिकली प्रमोट हो जाएंगे इंट में। साथ में अगर कोई एक ऑपरेंड जो है ऑपरेंड अगर हो लॉन्ग हो या फिर फ्लोट हो या फिर डबल हो, तो रिजल्ट जो हमारा आएगा वो भी अगर लॉन्ग होगा तो लॉन्ग के फॉर्म में आएगा, फ्लोट होगा तो फ्लोट में आएगा, या फिर डबल होगा तो डबल में आएगा। दोस्तों इसको समझने के लिए हम एक सैम्पल प्रोग्राम को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने एक सैम्पल प्रोग्राम लिया है, हमने क्लास लिया जिसका नाम हमने प्रमोट लिया, उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंगर्स नॉर्मली हम लोग जैसे स्टार्ट करते हैं मेन मेथड वैसे हमने लिखा। हमने एक बाइट लिया बी, उसका वैल्यू दिया 42, कैरेक्टर लिया उस सी, उसका वैल्यू दिया ए, शॉर्ट एस 1024 वैल्यू दिया, फ्लोट एफ 5.67, यहाँ पर हमने एफ लगाया ताकि ये फ्लोट रहे। हम लोग एक और लेते हैं
इंट अगर हम लोग ले लें, इंट आई इज इक्वल टू, इसका वैल्यू हम लोग मान लिया जाए 50,000 ले लेते हैं, और डबल हमने 0.1234 लिया। अब हमने यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिखा, डबल लिया, एक रिजल्ट वेरिएबल लिया डबल टाइप का, एक्सप्रेशन लिखा एफ इंटू बी प्लस आई बाई सी माइनस डी इंटू एस। अब यहाँ पर एफ जो है वो फ्लोट टाइप का है, बी जो है वो बाइट टाइप का है, तो इस ये एक्सप्रेशन इवेलुएट होने के टाइम पे, चूँकि यहाँ पे फ्लोट है और बाइट है, तो ये बाइट पहले फ्लोट में प्रमोट हो जाएगा और फिर फ्लोट और फ्लोट के बीच में एक्सप्रेशन परफॉर्म होगा। तो ये चूँकि है फ्लोट एंड बाइट, तो ये फ्लोट में प्रमोट होके फ्लोट इंटू फ्लोट रिजल्ट मेरा फ्लोट आएगा। यहाँ पे प्लस है तो फ्लोट, हाँ रिजल्ट मेरा क्या आएगा, रिजल्ट मेरा फ्लोट आएगा। उसके बाद ये प्लस है तो प्लस ऑपरेटर लेते हैं। आई जो है हमारा है इंटीजर है और सी जो है कैरेक्टर है, तो हम लोगों ने पहले सीखा कि कैरेक्टर और इंटीजर अगर एक्सप्रेशन में हो तो कैरेक्टर इंट में कन्वर्ट हो जाता है या प्रमोट हो जाता है, तो इसका भी रिजल्ट जो है इंट और कैरेक्टर का रिजल्ट जो है कैरेक्टर के प्रमोट होने के बाद इंट और इंट का एक्सप्रेशन हो जाएगा और ये भी इंट आ जाएगा माइनस। अब यहाँ पर डी जो है डी डबल टाइप का है और एस जो है वो शॉर्ट टाइप का है, तो ये डबल और शॉर्ट में जब ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो ये शॉर्ट जो है वो डबल में प्रमोट हो जाएगा और जो एक्सप्रेशन है वो सिर्फ डबल का रह जाएगा, मतलब शॉर्ट के डबल में एस के डबल में प्रमोट होने के बारे के कारण सिर्फ डबल और डबल का मल्टीप्लिकेशन होगा और ये वैल्यू डबल हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि फ्लोट हमारा एक वैल्यू बचा, इंट बचा और डबल, और इसके बीच एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो फ्लोट और इंट जो है, अगर हम इन दो टर्म्स को पहले लेते हैं तो फ्लोट और इंट का जो है परफॉर्म होने के बाद, ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद, ये मेरा पहले इंट फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा और फ्लोट और फ्लोट का ऑपरेशन परफॉर्म होगा, रिजल्ट हमारा फ्लोट आएगा। इन दो टर्म्स का रिजल्ट फ्लोट आएगा। अब फ्लोट और डबल का ऑपरेशन परफॉर्म होगा सब्ट्रैक्शन का, तो फ्लोट और डबल का ऑपरेशन परफॉर्म होने पे ये फ्लोट जो है वो डबल में प्रमोट हो जाएगा, उसके बाद ये एक्सप्रेशन फुल्ली डबल का बन जाएगा और हमारा फाइनल रिजल्ट जो है वो डबल का आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट। इस तरह से हमने देखा, सॉरी माफ़ कीजिए, इस तरह से हमने देखा कि कैसे जो है एक्सप्रेशन में वैल्यूज जो है वो कैसे प्रमोट होते हैं। अगले वीडियोस में हम लोग अरे के बारे में सीखेंगे। इस वीडियो के लिए धन्यवाद।